पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसक रही है। उनके सिर पर हार का खौफ सवार हो गया है। हार के डर से वो हर एक कदम अपने चुनावी मैनेजर प्रशांत किशोर के कहने पर उठा रही है। भाजपा भी उन्हें घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। यही वजह है कि ममता कभी नागरिकता कानून का विरोध कर रही है तो कभी हिंदू धर्म की खूबियां गिना रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बाद ये साफ हो गया है कि बंगाल में ममता बनर्जी की जमीन खिसक रही है। उन्हें डर है कि विधानसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी में भगदड़ न मच जाए। भाजपा के चक्रव्यूह में वो ऐसे फंसी हैं कि उन्हें उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। दीदी एक तरफ नागरिकता कानून का विरोध कर हिंदू बंगालियों का गुस्सा मोल रही हैं, तो दूसरी ओर यदि उनका रुख इस पर नर्म होता है तो उन्हें मुस्लिम वोटों की खिसकने का डर है। इसीलिए ममता अपने चुनाव मैनेजर पीके के सहारे कई तरह के अभियान छेड़े हुए हैं। दीदी के बोलो कैंपेन के बाद अब उन्होंने आम लोगों को तृणमूल कांग्रेस से जोड़ने के लिए अमार गर्व ममता यानी हमारा गर्व है ममता कैंपेन शुरू करने की तैयारी की है। जानकारों का कहना है कि इस कैंपेन के सहारे ही पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। अमार गर्व ममता नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार पहले से शुरू हो गया है। अब साइबर दुनिया से निकलकर इसे सड़क पर उतारने की तैयारी है। जानकारों का कहना है कि इस कैंपेन के तहत तृणमूल विधायक हर ब्लॉक में जाकर वहां से सरकारी योजनाओं और विभिन्न विकास कार्यों के बारे में लोगों से जानकारी लेंगे। इस अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं से लोगों को क्या सुविधा मिली, क्या दिक्कत हो रही है आदि पर फीडबैक एकत्रित किए जाएंगे। ये सारी कवायद इसलिए की जा रही है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से भाजपा की 18 सीटें जीतने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफी डरी हुई हैं और इसीलिए लोगों को खुद से जोड़ने के लिए प्रशांत किशोर को अपना चुनावी कमान सौंप चुकी हैं। पीके की वजह से पिछले साल जुलाई में दीदी के बोलो कैंपेन शुरू किया गया था। इसके तहत एक मोबाइल नंबर जारी किया गया जिसमें लोग अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इस कैंपेन के जरिए तृणमूल की हर घर तक पहुंचने की कोशिश थी। दीदी की बेचैनी इसीलिए भी है क्योंकि अगले कुछ माह में ही राज्य में नगरपालिका चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव विधानसभा का एक तरह से सेमीफाइनल होगा। इसीलिए ममता हर वो उपाय कर रही है जो वो कर सकती हैं। उधर भाजपा भी राज्य में काफी आक्रामकता के साथ अपना चुनाव अभियान चला रही है। यहाँ भाजपा को खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए पार्टी बिना किसी दबाव के आगे बढ़ रही है। लेकिन ममता समझती हैं कि उन्हें भाजपा को भी काउंटर करना है, इसीलिए वो अपने नेताओं की मौत से लेकर धर्म तक किसी भी बात पर अमित शाह और प्रधानमंत्री को घेरने का मौका हाथ से जाने नहीं दे रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या पर संसद को अपने सिर पर उठा चुकी हैं, लेकिन आज एनआरसी के विरोध की सबसे प्रखर आवाज बनने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी को इस बात का भी डर है कि कहीं चाल उल्टी न पड़ जाए, इसीलिए हिंदू धर्म की भी दुहाइयां दे रही हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।